बहुत ही शानदार ग्रैंड अजवा बिरयानी होटल जो बिल्कुल रेलवे स्टेशन से अटैचमेंट है इसका, तो यहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत ही रहता है। और हमारे एजाज भाई और उनकी पूरी टीम मिलके यहाँ पे खोले हैं, हमारी दुआएं हैं। और सभी मेरे दोस्त मेरे भाइयों को रिक्वेस्ट है कि एक बार यहाँ पे ग्रैंड अजवा होटल में आके यहाँ का टेस्ट आप सभी लोग देखना चाहिए। सभी को आदाब। अभी बहुत ही शानदार ग्रैंड अजवा बिरयानी होटल जो बिल्कुल रेलवे स्टेशन से अटैचमेंट है इसका, तो यहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत ही रहता है। और हमारे एजाज भाई और उनकी पूरी टीम मिलके यहाँ पे खोले हैं, हमारी दुआएं हैं। और सभी मेरे दोस्त मेरे भाइयों को रिक्वेस्ट है कि एक बार यहाँ पे ग्रैंड अजवा होटल में आके यहाँ का टेस्ट आप सभी लोग देखना चाहिए। और यहाँ पे एजाज भाई को और पूरी टीम के लिए भी आप लोग दुआएं दीजिए। और जितने भी नौजवान कारोबार कर रहे हैं तो बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज़ जो भी सपोर्ट रहेगा डेफिनेटली हम करा के देंगे। शुक्रिया। छोटा सा सवाल है मणिपुर के बारे में, जो क्रिस समाज को वहाँ पर जुल्म दिया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप कर्नाटक का मिनिस्टर हैं। नहीं, उसके बारे में तो हमारी सरकार बहुत ही सीरियसनेस है और ऑलरेडी यहाँ से भी पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है और जो भी हो रहा है बहुत बड़ी दुख की बात है। ये जो बीजेपी सरकार है इसको कंट्रोल नहीं कर सकी और इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है। अस्सलामुअलैकुम भाइयों और दोस्तों, बहुत खुशी का मौका है जो हमारे मिनिस्टर साहब इनाग्रेशन किए हैं। जब भी वो इनाग्रेशन करते हैं वो हर चीज़ सक्सेस होती है। आज उनको मुबारकबाद बिदर सिटी और बिदर की जनता के तरफ से देना है। 7-8 अध्यक्ष उनके नाम पर बने हैं, ये सबसे पहले बिदर की जनता की तरफ से उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पूरे पंचायत के अध्यक्ष मिनिस्टर साहब बनते 8 अध्यक्ष बने हैं उनके नाम पर।